भारतीय सेना सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान की हर साजिश को जम्मू कश्मीर के अंदर विफल किया है। पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश थी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के आसपास कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया जाए, कश्मीर को दहलाने की पाकिस्तान ने हर साजिश की, जिसको भारतीय सेना सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने विफल कर दिया और जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, घर घर में, शहर शहर में और गांव गांव में बड़ी शान से तिरंगे झंडे फहराए गए, जिससे पाकिस्तानियों को बौखलाहट हुई और इसी बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन और डेस्पिरेशन में पाकिस्तान के इन कायर गीदड़ आतंकवादियों ने बारामूला के अंदर सीआरपीएफ और पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के दो जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान वो शहीद हो गए। पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिशें करता है, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया है। पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को हमारे जवानों ने विफल किया है। छोटे छोटे मासूम बच्चों, महिलाओं, स्कूल जाती बेटियों, बुजुर्गों और नौजवानों का कातिल है पाकिस्तान। पाकिस्तान मानवता का कातिल है, पाकिस्तान इस्लाम का कातिल है और पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है। पाकिस्तान को और आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सज़ा जरूर मिलेगी। सेना ने जिस क्षेत्र के अंदर यह आतंकवादी घटना हुई है, वहाँ एक जॉइंट ऑपरेशन सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ शुरू किया है। जल्द ही इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, कश्मीर घाटी को आतंकवाद मुक्त किया जाएगा। एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पाकिस्तान और आतंकवादियों को उनके गुनाहों की, पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। Forget to subscribe our channel and also click the bell icon to get the latest updates.